गाइस गुड मॉर्निंग, आज है 25 दिसंबर एंड मैं अभी जा रहा हूँ 19 फ्रॉम सबोतिका टू 19। तो यहाँ से कोई डायरेक्ट बस शायद नहीं है, तो इसलिए हमको यहाँ से बेलग्रेड जाना पड़ेगा सबसे पहले, देन वहाँ से फिर हम 19 के पास लेंगे। बट मैं बेलग्रेड में रुकना नहीं चाहता, मैं डायरेक्टली यहाँ से 19 ही जाना चाहता हूँ। तो आगे टिकट का देखता हूँ कितना पड़ता है यहाँ से बेलग्रेड के लिए। तो बस तो हमारा छोड़ दिया ऑलरेडी एंड टिकट के लिए मुझे देना पड़ा 2500 दिनार, जो डायरेक्ट सबोतिका से 19 जा रहा है 2500 दिनार में। बट बस डायरेक्ट नहीं जा रहा है, बस यहाँ से पहले जाएगा नोवी सैद, फिर नोवी सैद से जाएगा बेलग्रेड, देन बेलग्रेड से जाएगा 19। तो दो जगह पे स्टॉप होगा मे बी 10-15 मिनट के लिए एंड फिर आगे जाएगा। कल शाम से बारिश हो रहा है एक्चुअली, और अभी भी बारिश थोड़ी देर पहले ही हुआ था, फिलहाल अभी तो रुका हुआ है। एंड वेदर पूरा एकदम बारिश का टाइम में जैसे होता है ना, अंधेरा छाया हुआ है रहता है, तो अभी भी वेदर कुछ ऐसा ही है, पूरा अंधेरा ही छाया हुआ है। और भाई साहब बहुत झेलने के बाद 1 बजे तो बस में उठे थे वहाँ से सबोतिका से, और 19 पे फिलहाल अपना हॉस्टल के पास में पहुँचते पहुँचते मेरे को 9:30 बज गया है। तो इट मीन 8.5 घंटे 8.5 आवर्स, यार क्या ही पता है। पहला बात तो बस ऐसे इतना स्पीड से आ रहे थे क्या बताऊँ, ऊपर से बारिश हुआ है इतना ज़्यादा, रास्ते का हाल भी ख़राब था प्रॉब्ली, एंड ऊपर से एक चीज़ और हुआ कि 19 की जो बस स्टेशन था जहाँ पे मैं उतरा, जहाँ से मैंने बस पकड़ा और मेरा हॉस्टल की पास में जो बस स्टॉप है वहाँ तक आने के लिए, मैंने जिस बस को लिया मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं था, इसकी वजह से मैं जहाँ पे उतरना था तो उससे 2 किलोमीटर और आगे चले गया मैं। मतलब 2 किलोमीटर तो बस स्टेशन से यहाँ पे था मेरा हॉस्टल का, और आगे मैं हॉस्टल छोड़ के और 2 किलोमीटर आगे चल गया, फिर मेरे को बैक करना पड़ा। तो क्या ही बताया, ऐसे ही पूरा दिन यहाँ पर चला गया, ना सुबह में ब्रेकफास्ट कर पाया ना दोपहर में लंच। मेरा हॉस्टल यहीं पे ही होगा कहीं पे, हॉस्टल यहीं पे दिखा रहा है, डे एंड नाइट हॉस्टल। गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन, देखो क्या हाल है हमारा। कल जब मैं 19 पे आया तभी से बारिश हो रहा है, तब से नहीं मतलब कल यू कैन से जब मैं सबोतिका से आया, सबोतिका वहाँ से ही बारिश होने लग गया था एंड अभी भी बारिश हो ही रहा है, अभी तक बारिश रुका नहीं। एंड तब मैं फ़िलहाल भूख लगा है मुझे, मैं अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, इस 11:30 राइट नाउ, तो मैं सोचा कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लाऊंगा, दैट्स ओके। बट उसके साथ में मैं अभी फ़िलहाल मैक्सी जा रहा हूँ, कुछ जो भी बेलग्रेड में मैंने छोड़ दिया था, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर वगैरह जितने भी चीज़ें था मैं सब वहाँ पर छोड़ दिया था गलती से, ये मेरे पास राइस भी था वहाँ पर, मैंने बहुत दिन से खाया नहीं राइस वगैरह, तो और इसमें से राइस खाने से मेरे को इतना पेट नहीं भर रहा है भाई। मैं बंगाली हूँ एंड भाई मेरे को यार एक शार्टन टाइम के बाद में एटलीस्ट कुछ राइस की ज़रूरत पड़ता है यार, उसके बिना हमारा नहीं चलता है। आज है 27 दिसंबर, 2-3 दिन से बारिश भी हो रहा है बस, और 19 में मेरा 2 दिन जो था आज मेरा चेकआउट करने का था, मैं कर नहीं पाया चेकआउट इसीलिए बिकॉज मेरे को 19 को भी घूरना था, एक्सप्लोर करना था, बट मैं कर नहीं पाया एक्सप्लोर बिकॉज 2 दिन से बारिश हो रहा है और मैं बाहर नहीं निकल पाया। और तो फिलहाल आज मैं बाहर निकल पाया हूँ, सुबह से बारिश भी हो रहा था बट अभी रुक गया है बारिश, थोड़ा सा धूप भी निकला था बाहर बट अभी तो धूप नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँगा आसपास में जितना पॉसिबल होगा। फिलहाल यहीं पे वेट करते हैं, और ये रहा बस स्टॉप, दिस इज़ बस स्टॉप राइट, ओके ओके ओके, बस कम है बस, ओके बस स्टॉप पर हम आ गए बस नंबर 9 के लिए, हम वेट कर रहे हैं। ठंडा तो है, बारिश हुआ है 2 दिन से और सुबह भी बारिश हुआ था, अभी भी लगता है कि थोड़ी देर में बारिश चालू हो जाएगा, बस फंस ना जाओ। फिलहाल 19 की जो पोर्ट है वहीं पर जा रहा हूँ मैं, और भाई साहब बस से तो उतर गए हम, 60 दिनार देना पड़ा। अगर कोई आपको रास्ते में मनी एक्सचेंज के लिए ऐसे कुछ ऑफर करेगा, कुछ भी पूछेगा, तो ऑलवेज से नो टू देम, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हो, नहीं तो आप अपना पैसा भी गवा दोगे और कोई प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। ये जो आगे राइट साइड में ये देखो ऊपर में फोर्टेस का आपको दिख रहा होगा, तो चढ़ना है इसके ऊपर, बट एंट्री कहाँ से मिलेगा फोर्टेस में, एक बार मैप चेक कर लेता हूँ, शायद दूसरे तरफ से एंट्री हो, नहीं तो पूरा मेरे को फिर से घूम के आना पड़ेगा यार, जैसे रास्ता जा रहा है ऐसे ऊपर से ही जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे फोर्टेस में एंट्री मिलेगा।
काले बादल छाने लग गए हैं। हमें लगता है कि अब वार्ड लगने वाला है, यहाँ से 300-400 मीटर ही है फोर्टेस के अंदर जाने के लिए। मैं इसको दूर से देख के सोच रहा था कि ये बास्केटबॉल कोर्ट है, बट नहीं, असल में ये फुटबॉल कोर्ट है। छोटा सा मार्ट, 4-5 बच्चे लोग हैं। क्या आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन। हेलो, हाउ आर यू? यू आर अ व्लॉगर? या यू हैव अ यूट्यूब चैनल? यस। व्हाट्स नेम? इट्स ट्रैवलिंग थ्रिल्स। ओके, बोलो पीते का कको इधर कर रहा प्रसाद सिंह कको। सो हाउ कैन आई गो टू द फोर्ट? योर चैनल नेम ऑफ योर चैनल ट्रैवलिंग थ्रिल्स। Walking from that side, I thought this is a basketball court. No, this is a football. So you guys playing football? Football. Basketball. Oh, nice. No, don't let them. Please, easy. Okay. So, you speak English? How many you have to? Boro. Pass me the football. Yes. Boro, pita ito šta snimam, šta baš sad. Snimam vlogove. Vlogove? Yeah. Pass the football. Oh, nice. When I was at your age, I used to play football. What? When I was at your age, 13, 14 years, that time I was like, I was also playing football at that time. You should play football now. Good. No, that didn't connect well.